नमस्कार, मैं संचित मलिक, आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। फिलहाल इसमें मौजूद हूँ पीसीएसडी स्कूल में। यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम किया गया। आज यहाँ मेरे पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं और अभी यहाँ पर रेस का प्रोग्राम भी हुआ था। साथ ही साथ टीचर्स की भी रेस करवाई गई थी। यहाँ पर मैनेजमेंट मेंबर्स है, सतपाल जी खांडेवाला, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार, मैं पाठक पक्ष का बहुत धन्यवादी हूँ, आपने हमें मौका दिया। खासतौर पर मैं ओम कुमार जी का बहुत धन्यवादी हूँ, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ इस पीसीएसडी स्कूल में बड़ी एक्टिविटी चल रही है, आज खेलकूद का आयोजन किया गया है, इसका मैं बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। सर देखा गया, बच्चों को तो करवाया गया, साथ ही टीचर्स को भी मौका दिया गया। टीचर्स का बड़ा बहुत बढ़िया जो प्रोग्राम हुआ है, इनको मौका दिया गया, सबने देख के बहुत खुशी हुई है। यहाँ सर क्या कहना चाहेंगे, और भी बच्चे भी बहुत जीतते हैं यहाँ पर, बच्चों को भी क्या कुछ शिक्षा देना चाहेंगे? आप एक समाज सेवी हैं, बच्चों को भी और लोगों को भी, समाज में आपका अहम योगदान रहता है। लोगों को, बच्चों को बड़ी जागृति मिलती है, खेलकूद में इनका विश्वास बढ़ता है। आजकल खेलकूद का तो मेन ही भारतवर्ष के लिए मेन खेलकूद बहुत आगे भारत आ चुका है, इनको यहीं से जागृति मिलती है। इसके लिए पीसीएसडी स्कूल बड़ा प्रभावी है इस चीज में। फिलहाल सर भी उनसे बातचीत कर लेंगे। सर क्या नाम है? राजवीर कुमार। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है यहाँ का, आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। कैसा लगा सर देख? बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने के बाद बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्टर मैडम भी है, गुंजन गोयल, उनसे ही बातचीत करेंगे। मैम क्या कहेंगे आज प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। हमारे स्टूडेंट्स ने, एलडीएसडी स्कूल और पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है गेम्स में, और हमारा स्कूल इस तरह के प्रोग्राम्स रूटीन में करवाता रहता है, जिससे बच्चों का सिर्फ बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि चहुमुखी विकास हुए। मैम यहाँ पर देखा गया, बच्चों को तो करवाया गया, साथ टीचर्स के लिए भी करवाया गया। देखिए टीचर्स हमेशा काम में लगी रहती हैं, उनके लिए भी थोड़े से मोमेंट्स तो एंजॉयबल होने चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। मैम मैनेजमेंट को पूछिए आज क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छा लगा देख। हाँ जी, मैं अपनी सारी मैनेजमेंट की थैंकफुल हूँ कि हमारे एक इनविटेशन पे वो अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के पहुँचते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और हमेशा स्कूल में स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ओम कुमार गर्ग सर भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। सर क्या कहेंगे आज प्रोग्राम किया गया स्कूल? प्रोग्राम तो सर्दी के मौसम के अंदर और हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, जो स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल के बच्चे हैं उस लेवल का आज प्रोग्राम हमारे स्कूल के अंदर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज थी चाहे खेलकूद प्रतियोगिता थी। देखा जाता है आपके स्कूल के बच्चे पढ़ाई में तो आगे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे लाने की कोशिश की। हमारी कोशिश है कि हमारे स्कूल का बच्चा ऑलराउंडर हो, चाहे पढ़ाई के बाद हो, चाहे शिक्षा की हो, उसकी खेलकूद की हो, चाहे और भी अतिरिक्त। अभी हमारा एनएसएस का कैंप शुरू है 30 तारीख से, तो हम बार बार यही कोशिश है चाहे एनएसएस के माध्यम से चाहे एनसीसी के माध्यम से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर ओम कुमार गर्ग सर को, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वॉलीबॉल भी खेली जा रही है, और अभी यहाँ पर रेस भी लगाई जा रही थी बच्चों के द्वारा, टीचर्स ने भी यहाँ पर रेस लगाई। फिलहाल आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और आप देखते रहे दैनिक पाठक पक्ष। धन्यवाद। रेस के लिए तैयार रहिए।